नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप एक यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल के लिए कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और हमने मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों आपने अगर वीडियो देखा रहेगा तो आपने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया रहेगा। जो लेवल्स दिए थे उसी हिसाब से दोनों इंडेक्स ने काम किया। हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे एक क्विकली रिव्यू लेंगे, बाद में कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे हमने क्लियरली कहा था एक लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक डाउन देता है तो डेफिनेटली हमें पुट में बैठना है। ओके, पुट में बैठना है। हमारे टारगेट 19,300 और 19,340 तक हमने टारगेट बोले थे, ये एक सिनारियो हमने डिस्कस किया था। ओके, लेकिन अगर बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ओके, और सेकंड कैंडल भी बड़ी रेड बनती है और वो 19,300 और 350 के बीच में आ जाती है, तो हमें पुट में बैठना नहीं है। वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट और वेट फॉर सम प्राइस एक्शन। लेकिन हमने क्लियरली यहाँ पे कहा था दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग का सोचना है हमें, यहाँ पे सिर्फ बाइंग का सोचना है। जैसे ही आपको यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है और उस कुछ प्राइस एक्शन का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें बाइंग में बैठना है, कॉल में बैठना है। हमें 19,400 तक टारगेट मिल सकते हैं इमिडिएटली, ही हमने डिस्कस किया था। दोस्तों जाके वीडियो ज़रूर देखिए, मैं हर बार बोलता हूँ कि सिर्फ लर्निंग के लिए देखिए, बाद में वो स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है या नहीं आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट किस हिसाब से काम करता है तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, बड़ी कैंडल रेड बनी, हमने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था, ये इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन था। यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे वापस निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ये लेवल के ऊपर आ गया 19,300। 19,300 के ऊपर जैसे आया यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल गया दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, यहाँ पे वापस रिटेस्ट किया 19,300 को और धीरे 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 ऊपर तक 19,450 तक निफ्टी ने हाई लगाया। मतलब लो से लेके आप देखोगे तो हाई तक 180 पॉइंट्स का हमें मोमेंटम देखने को मिला यहाँ पे। दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा अपना एनालिसिस अपने सेटअप के ऊपर भरोसा रखिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न्स मिल सकता है। ठीक है, कल के लिए देख लेते हैं निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है और क्या टारगेट बन के आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ए लेवल पे ओपन होता है, ओके, और धीरे धीरे नीचे आता है, ओके, वापिस हमारा लेवल रहेगा 19,350 से 300 तक एक सपोर्ट बन गया है। ए लेवल पे आता है फ्लैट ओपन होने के बाद तो डेफिनेटली यहाँ पे वापिस बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वापिस हमारा टारगेट 400-450 तक रहेगा। ओके, SL यहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट्स का आपका SL बनेगा। जैसे ये 20 पॉइंट का SL हिट हो जाएगा, डेफिनेटली हम रिवर्स पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं और हमारा टारगेट वापस 19,200 तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, मेरा एनालिसिस, मेरा चार्ट मुझे बता रहा है कि यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है तो वापस यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए और वापस यहाँ से रिवर्स पोजीशन बन के 19,500 तक हमें टारगेट मिलना चाहिए। मतलब लगभग यहाँ से 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। हमें बड़े टारगेट्स बड़े पॉइंट्स के लिए खेलना है, जैसे कि आज 180 पॉइंट्स का मोमेंट हमें देखने को मिला। दोस्तों हर बार 200-300 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिलेगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें कम से कम 100 पॉइंट निफ्टी में तो निकलना ही। दोस्तों 80-100 पॉइंट्स है हमारा टारगेट रहता है डेली का, क्योंकि ये बड़ी मोमेंटम आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभार महीने महीने में 2-3 बार आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये हमारा डेली का जो पॉइंट्स रहता है वो हमें आराम से निफ्टी में मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर धीरे धीरे 19,350 और 300 के लेवल में आता है तो यहाँ पे आपको बाइंग का ही सोचना है। वहाँ से 20-30 पॉइंट्स का SL लगाना है और वापस हमारे टारगेट 19,500 तक रहेंगे। दोस्तों हम वेरी बुलिश कब रहेंगे, 19,500
जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई, ये जो मैंने आपको ये ड्रॉ कर, दोस्तों ये ड्रॉ करने के लिए मैं हर बार क्यों बोलता हूँ कि आपको ये लेवल्स बहुत हेल्प करते हैं लाइव मार्केट में, इसलिए बोलता हूँ जो मैं लेवल्स ड्रॉ करके रखता हूँ वो आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, आपको भी पता चलेगा कि लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, धीरे धीरे आप सीखोगे, उसी सीखने के बाद ही आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो और आपको लाइव मार्केट में एक नजरिया बन जाता है कि हाँ भाई इस हिसाब से मार्केट काम करता है, मुझे स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग हाई प्रीवियस स्विंग लो जब तक काटता नहीं तब तक मुझे पोजीशन नहीं बनानी। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ से सपोर्ट लेके 19,500 पे आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ पे अगर वापस 19,500 के पास आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो आप छोटे टारगेट के लिए पुट में बैठ सकते हैं, मैं बड़े टारगेट्स नहीं बोलूंगा। यहाँ से 70-80 पॉइंट्स का आपको पुट में टारगेट मिल सकता है, वापस 19,420-19,430 तक मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद। दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है और आज के हाई को भी काट देता है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें वेट करना है थोड़ा, जब तक 19,500 ब्रेक नहीं होता हम कॉल में नहीं बैठेंगे। अगर ये लेवल पे आता है फ्लैट ओपन होने के बाद और यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पुट में बैठ सकते हैं 19,350 तक, 19,350 तक आप पुट में बैठ सकते हैं। यहाँ से 120 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है। दोस्तों अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद ये लेवल पे आता है और यहीं पे टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे 5-5 मिनट का 10-12 कैंडल बन जाता है और ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली ये स्विंग लो जो रहेगा वो आपको एसएल लगाना है और हमारा टारगेट जो रहेगा यहाँ से जैसे ही 19,500 ब्रेक करेगा, 19,500 ब्रेक करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,600 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 650, मतलब लगभग 150 पॉइंट्स का टारगेट हमें यहाँ से मिल सकता है। दोस्तों यहाँ से वापस आपको मैं बताना चाहूँगा जैसे ये ब्रेक होता है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है इस बार ये वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना है, एसएल के साथ बने रहना है हमें। यहाँ से 600-650 का टारगेट मिलते हैं हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, प्रॉफिट बुक करते ही वेट करना है। अगर आपका डिसिप्लिन, अगर आप दो ट्रेड दिन में लेते हो तो अगर एक ट्रेड बनता है तो सेकंड ट्रेड में चांस ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपका डिसिप्लिन वन ट्रेड का है तो डेफिनेटली एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट होने के बाद आप सिस्टम क्लोज कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे अगर गैप ओपन होता है और 19,500 को भी क्रॉस कर देता है तो वेट करना है, कंफर्मेशन लेना है सेकंड कैंडल का, उसके बाद वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा थोड़ा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है सपोर्ट लिया उसी कैंडल का आपको एसएल लगाना है, टारगेट हमारे वापस रहेंगे 19,600 और 650 तक हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर मार्केट या निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, ओके, तो हमें वेट करना है, जैसे कि मैंने 19,300-350 के बीच में आपको देखना है यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बन रही है, बाइंग की अगर प्राइस एक्शन बन रही है तो डेफिनेटली बाय करना है, 19,500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। दोस्तों पुट में हम कब बैठेंगे, अभी पुट में हम 19,300 के नीचे ही बैठेंगे, 19,300 के नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है दोस्तों पुट में हम डेफिनेटली बैठेंगे, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होता 15 मिनट का हम पुट में नहीं बैठेंगे। ओके, तो यहाँ पे निफ्टी का हमने सब, और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 19,350 को भी क्रॉस कर देता है क्लोजिंग में सेकंड कैंडल के कंफर्मेशन के साथ तो यहाँ पे वेट फॉर सम रिट्रेसमेंट, 19,350 के पास आने के बाद आप वापस यहाँ पे कोई पुट की पोजिशन बना सकते हो, टारगेट 19,200 तक भी मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पे आज के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक थोड़ा एक पुल बैक है, वापिस है, अप ट्रेंड चालू है कि नहीं, हमें वेनसडे को अगर कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, आज का जो बना है वो हैमर बना है दोस्तों, यहाँ पे आप जाके देखोगे डेली कैंडल में हैमर बना है निफ्टी का, तो अगर इसका कंफर्मेशन हमें वेनसडे को मिल गया तो डेफिनेटली यहाँ पे वापिस एक अप ट्रेंड की रैली शुरू हो जाएगी। दोस्तों चलो देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी क्या व्यू बन क्या रहा है और बैंक निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो हमने ये लेवल दिया था
अगर ये लेवल को काटता है तो हमारा टारगेट था 43,400 तक, लेकिन बैंक निफ्टी आया 43,700 तक। ओके, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमने बोला था अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वेट करना है सम रिट्रेसमेंट, यहाँ पे ये लेवल तक हमने बोला था कि यहाँ, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत टाइम लिया और फाइनली ये लेवल पे आने के बाद रिजेक्शन लिया, लेकिन बहुत बड़ी मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिली। जैसे निफ्टी में हमने जो पॉइंट्स कैप्चर किए बैंक निफ्टी में नहीं मिले, लेकिन आप निफ्टी के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी को भी अगर ट्रेस करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा जिधर ही बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया वहीं से बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ से 500 पॉइंट्स का हमें मोमेंटम देखने को मिला बैंक निफ्टी में। ओके, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होता है। ओके, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, और एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जब तक 44,500 क्रॉस नहीं होता बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल सकती। वहां से ही ये जब भी क्रॉस होगा वहां से बहुत बड़ा मोमेंटम आने के लिए रेडी रहेगा बैंक निफ्टी। ओके, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे आता है और 43,900 to 940 के बीच में अगर अगर कोई प्राइस एक्शन और ग्रीन कैंडल बनती है तो यहाँ पे आपको बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ से वापस हमारे 44,200 तक टारगेट रहेंगे, मतलब लगभग यहाँ से 300 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। यहाँ पे टारगेट बुक कर लेना है, 44,200 जैसे आता है हमें 300 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे बुक कर लेना है दोस्तों। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ आता है और यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर रहा, नीचे जा रहा है, जैसे ये लेवल काटेगा हम वेट थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे और यहाँ से वापस हमारे टारगेट 43,500 तक रहेंगे दोस्तों। मतलब यहाँ इस लेवल से लगभग 400 पॉइंट्स का हमें बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है तो वेट फॉर रिट्रेसमेंट, जैसे मैंने बोला ये लेवल पे 43,900 के पास आने के बाद अगर आपको रिजेक्शन मिलता है वापस और इसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पुट में बैठेंगे। टारगेट 43,600 तक हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड 500 टारगेट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है, जैसे कि मैंने बोला 44,000 लेवल बताना चाहूंगा, लेवल 44,400 को काट देता है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। अगर ये सस्टेन करेगा इस लेवल पे 44,400 के ऊपर तो डेफिनेटली हमें 45,000 टारगेट उसी दिन देखने को मिलेगा, 600 पॉइंट्स का हमें मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर यहाँ पे आने के बाद, ये लेवल पे आने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, कोई रेड कैंडल बनती है और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है तो यहाँ पे हम पुट में ही बैठेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट वापस 44,000 तक रहेगा, लगभग यहाँ से 400 पॉइंट्स का हमें टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी अगर गैप ओपन होता है और यही पे टाइम स्पेंड करता है पूरा दिन, ओके, ये लेवल पे टाइम स्पेंड करता है लगभग फर्स्ट हाफ तक और उसके बाद अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो डेफिनेटली हमें सीए में बैठना है और सीए का टारगेट मैंने बोला है 45,000 आपको डेफिनेटली मिल सकता है एक ही दिन में। लेकिन अगर 300-400 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाद में देखेंगे अगर कोई वापिस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसी हिसाब से काम करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपके साथ जो स्ट्रैटेजी शेयर की थी कि 13 और 34 EMA का आप सेटअप लगा के रखिए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम करता है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको जाना है। यहाँ पे देखिए जो हमारा प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसी के आसपास 34 EMA का रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, मतलब जो लेवल है, लेवल बताना चाहूँगा, मैंने बोला 44,400, 44,400 के आसपास आने के बाद आपको डेफिनेटली पुट में देखना है। जब ये क्रॉस होगा तभी हम कॉल में बैठेंगे, लेकिन ये लेवल के पास आने के बाद अगर कोई रिजेक्शन मिलता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है, डेफिनेटली वहाँ पे पुट पोजीशन बनानी है और हमें बड़े टारगेट नीचे के साइड मिल सकते हैं दोस्तों। ये मैं आपके चार्ट पे सेटिंग लगा के रखिए, बहुत काम आता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी बहुत बड़ा अच्छा काम करता है। अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो अप ट्रेंड के हिसाब से बहुत ही अच्छा काम करता है, डाउन ट्रेंड में रहेगा तो डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ये क्रॉस हो एक सेकेंड, जैसे ये यहाँ पे क्रॉस ओवर हो, देखिए आप यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के बाद
नीचे आया वापस रिटेस्ट किया, या फिर थोड़ा ऊपर गया वापस, जैसे नीचे क्लोज हुआ रिटेस्ट नीचे रिटेस्ट नीचे रिटेस्ट नीचे वापस, यहाँ पे अभी तक इसने क्लोजिंग नहीं दिया कंफर्मेशन। जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाएंगे देखेंगे, लेकिन हमारा जो 1 आवर टाइम फ्रेम बता रहा है कि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको देखना है जब भी 1 आवर टाइम फ्रेम 44,400 के ऊपर क्लोज होगा, वहाँ से भी वहाँ उसके बाद ही हमें बुल रन देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। दोस्तों मैंने कल टाटा स्टील का भी आपके साथ एक स्विंग स्ट्रैटेजी शेयर किया है, ज़रूर उसमें बने रहिए, कोई घबराने की दिक्कत बात नहीं है। वहाँ पे हमें बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं टाटा स्टील में, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि 15 से 20% यहाँ पे टारगेट मिलना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए तो जो बना अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बड़े अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं अगले 3 साल में। टाटा स्टील अभी 120 चल रहा है, लगभग 220 तक भी टाटा स्टील जा सकता है अगले 3 साल में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।